हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बथुआ के पराठा बनाने की विधि बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, हमने चार गड्डी बथुआ लेके धो के साफ करके छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, हमारा बथुआ तैयार है पराठा बनाने के लिए, ये जो कि इसको हमने पहले से ही छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप भी ऐसे काट लेना। और तैयार हो गया है तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब हमने मसाला तैयार किया है। इसके लिए हम एक प्याज, दो हरी मिर्च कटी हुई छोटे टुकड़ों में, अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हमने कूट के बना लिया है, एक चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है, और उसके बाद हमने एक चम्मच अजवाइन भी लिया है, वो भी हमने रख लिया प्लेट में, और एक चम्मच हमने हींग लिया है, और एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब ये सब मसाला को हम इसमें मिलाएंगे। तो इसके लिए हमने प्लेट भी निकाल लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमारे पराठा बनाने की तैयारी दूसरा हम करेंगे। अब इसमें हम आटा डालेंगे। तो देखिए, हम आटा निकाल रहे हैं, तो अब हम आटा निकाल लेंगे। उतना आटा निकालेंगे कि जितने में हमारा बथुआ अच्छे से मिल जाए। अब इसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे, वो भी रिफाइंड तेल। इससे क्या है, हमारा पराठा एकदम क्रिस्पी बनेगा, अब बहुत ही नरम बनेगा। तो देखिए, हमने अब इसमें जो कटा बथुआ है उसको डाल देंगे। देखिए, हमने बथुआ को ले लिया है। बथुआ को हम इसी आटा में मैश करेंगे हाथों की मदद से, और इसको ऐसा मैश करेंगे पूरा मिल जाएगा। अब जो हमने सारे मसाले रखे हैं उसको डाल देंगे। हमने प्याज डाल दिया, अब हम लाल मिर्च डालेंगे। तो देखिए, हमने लाल मिर्च भी इसमें मिला दिया। अब हम नमक डाल दिए हैं। अब हमारा जो गरम मसाला रखा था उसको साबुत जीरा भी डाल दी। अब साबुत हमने अजवाइन भी डाल दिया है। अब हमारा हींग भी हम मिला दिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिए। अब सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा लगाएंगे। देखिए, हमारा आटा हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको गूंथेंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से बने, नहीं तो गीला हो जाएगा तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा। आटा हमारा तैयार हो गया था। देखिए, हमने इसको कपड़ा से ढक के रखा था। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना के इसका पराठा बनाएंगे। देखिए, हम अब इसको बेल रहे हैं। अब हम पराठा बेलेंगे, और गैस में बेलने के बाद हम तवा चढ़ाएंगे। तो देखिए, पहले हम इसको बेल रहे हैं। ऐसे ही बेलोगे आप तो पराठा फटेगा नहीं, और अच्छे से बेला जाएगा, और गोल एकदम आएगा। देखिए, हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। अब हमारा तवा भी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें पराठा डाल देंगे। देखिए, हमारा चिट्टी पड़ गया। अब इसको पराठा को हमने पलट दिया है, एक साइड तेल लग गया है, अब दूसरे साइड भी लगा रहे हैं। तो ऐसे आप भी इसको पका सकते हैं। आप देख सकते हैं, दोनों साइड अच्छे से पराठा पक गया है। अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे। देखिए, हमारे सारे पराठे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्रिस्पी दिख रहे हैं पराठा, और हमने प्लेट में निकाल के रख दिया है। अगर आपके घर में कोई खाने वाला बैठा है तो पराठा तुरंत ले जाके उसकी थाली में दोगे, फिर पूछोगे पराठा कैसा बना है, तो वो बताएगा टेस्ट कैसा है। लेकिन हमारे घर में तो अभी कोई था नहीं, तो हमने प्लेट में ही निकाल के रख दिया। इसी तरह आप भी कर सकते हो। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार, फैमिली, दोस्त के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।